तो गंगो बार बांध रखा है देखिए, तो गंगो को आज मैं नुहाऊंगा। पहले मम्मी हमने कई बार नुहा दिया थे, लेकिन आज मेरा नंबर है इसको नुहाने का। और खोर भी मैंने इसे साफ़ कर दिया है, बस धोनी रह गई है। और खोर को पानी से साफ़ करनी है, अच्छे से धोना है खोर को, उसके बाद ये अच्छी हो जाएगी। देखिए और खोर मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया, अच्छे से धो दिया इसको, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुका है। देखिए और ये खोर दूसरे तीसरे दिन धोते रहते हैं हम। खोर साफ़ हो चुके हैं, अब ये गंगा को और गंगू को नुहाना है। और जब भी गंगू नुहाते हैं ये चैन से खड़ी नहीं होती, आराम से खड़ी नहीं रहती, कभी इधर घूमती है कभी इधर घूमती है। तो गंगू को नुहा दिया अच्छी तरीके से, अब नंबर है गंगा का, गंगो को भी नुहाना है। तो कैमरामैन कोई नहीं था, कैमरामैन ने अपना एक जगह सेट कर दिया था, जिसलिए जिस कारण गंगू को गंगा को नुहाते नहीं दिखा सकता आपको। तो आलू उबालने इतना चल रही है मम्मी, क्या बनाओगे आलू का? पकौड़े, ब्रेड पकौड़े बनाएंगे, और वैसे पकौड़े बनाऊंगे आलू के। धो लेना है, धो दिया मम्मी ने, साफ कर दिया बिल्कुल, देखें साफ हो रहे हैं। चूल्हा मम्मी ने जला दिया है, उपले लगा दिया उसमें, और आलू उबाल कर फिर हम आलू के पकौड़े बनाएंगे। और आलू बोल चुके हैं देखे बुआ और मम्मी, छोल रही आलू, और पूजा काट रही है सब्जी, आलू गोभी बनाएगी और मटर। और दादी बहू कितना भी काम करने से मना करती लेकिन वे नहीं मानती, किसी न किसी काम में लगी जाती हैं। ब्रेड कट रहे हैं, और मैं काट रहा हूँ ब्रेड, तो ब्रेड बनाने हैं, ब्रेड पकौड़े बनाने हैं। और ब्रेड सारे कट चुके हैं, तो बनाएंगे हैं ब्रेड पकोड़े। और मम्मी ने कढ़ाई में तेल डालना शुरू कर दिया है, रिफाइंड में हम ब्रेड पकोड़े बनाएंगे। ब्रेड पकोड़े बनाएंगे, पिट्टी हमारी बन गई हुई है, तैयार हो गई है। हल्दी गिर रखी है इसमें, मिर्च मसाला अच्छी तरह से हो गया बंद। तो कुछ ब्रेड और पकौड़े बन चुके हैं, वह गाय को दिखाने हैं पहले और उसके बाद खाएंगे। देखिए पकौड़े बन गए हैं, पकौड़े पिट्ठी हमारी, वो जो पकौड़े बने हैं ये गाय के लिए जा रहे हैं, पहले गाय को दे जाएंगे। तो पहले मैं गाय को दिखाता हूँ, और गंगो और गंगो दोनों के लिए हैं पकौड़े। गंगो ले, तो खा लेंगे गाय के पैर छूने भी अच्छी बात है। और इधर गंगा खा रही है, इधर दादी बहू खा रही है,
कैसे बैठे हैं कलर। एक ब्रेड मम्मी ने डाल दिया था पहले ही, देखिए। और मम्मी एक ब्रेड बनाया है, मैंने बोला था कि दो दो चार चार एक साथ छोड़ो, बहुत बड़ी कटाई है ये। और उसके बाद मम्मी ने दो दो तीन तीन ब्रेड बनाने शुरू, छोटे ब्रेड हो गए। यहाँ डाल लगा बोल गया तो चार ब्रेड मम्मी ने बना दिए हैं, तो चारों ब्रेड एक साथ छोड़ेगी इसमें कढ़ाई में। तो अकेला ब्रेड रह गया था ये बिल्कुल करकरा हो चुका है, मम्मी से निकाल रही है। सब सोच रहे होंगे कि ये ब्रेड क्यों नहीं निकाला, ये इसने इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि ये करकरा नहीं हुआ था, तो अब करकरा हो चुका है, निकल चुका है बाहर। और सारे ब्रेड ऐसे ही करकरारे बनाएंगे बिल्कुल लाल, जो खाने में भी बहुत अच्छे लगें। ये गोल पकौड़े तैयार कर दिए पूजा मम्मी ने, देखिए अभी ब्रेड के बाद ये सीखेंगे। थोड़ा खा लीजिए, देखिए कैसा लग रहा है, देखते हैं आगे। बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगे टेस्ट। पकौड़े भी खा के देखेंगे थोड़ी देर में, सोचा पहले ब्रेड को खा लेते हैं। दही घर की है, सोक्स बार की है, ले एक तो है। तो गोल पकोड़ा भी आगे जगह है, यानी घर कर करा देते हैं। बढ़िया बन रहा, अच्छा बनने वाला। कैसे बन रहा है ऐसे करकरा बनाए ब्रेड? और देखिए मम्मी ने कितने करकरारे ब्रेड बना दिए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में भी। और अब बना रहे हैं गोल पकौड़े। तो ब्रेड बहुत अच्छे बने हैं, और अंकित भी देखिए ब्रेड खा रहा है, दोनों भाई बैठ के हम दोनों ब्रेड खा रहे हैं। और गोल पकौड़े मम्मी बना रहे हैं बिल्कुल करकराए बनाएंगे इनको भी, देखिए लाल होने वाले हैं अभी। और पूजा भी मम्मी का सहयोग कर रही है। तो चूल्हे कमान पूजा ने संभाल लिया है, कढ़ाई में पकौड़े बना रही है।
सिखा देंगे। देखिए ससुर के जाने से पहले, ससुराल जाने से पहले सारा काम सिखा देंगे। देखिए मम्मी और बुआ बता रही है इसको कैसे कैसे बनाने हैं। बढ़िया नहीं बनाया।